आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति बागीदोरा। पंचायत समिति बागीदोरा से कांग्रेस पार्टी के डायरेक्टर पद पर नाथूलाल बुनकर भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। इन्होंने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा करना मेरा उद्देश्य रहेगा। तो आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा के साथ खास मुलाकात में नव निर्वाचित नाथूलाल बुनकर जी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बागीदोरा के जो डायरेक्टर पद पे प्रत्याशी थे नाथूलाल जी बुनकर साहब, उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दी था विश्वास करके और डायरेक्ट पद से यहाँ विजेता हुए। सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई हो डायरेक्टर साहब। नाथूलाल जी आपको तो नाथूलाल जी कैसा महसूस कर रहे हो इस पद पे विराजमान हुए, कैसा अनुभव कर रहे हो? इसमें ऐसा अनुभव है कि जीवन में कभी राजनीतिक नहीं रहे, फिर भी इसमें उतरे हैं तो हम राजनीतिक मतलब के हिसाब से मतलब हमारा मेन उद्देश्य तो ये है कि 15 विगत सालों से यहाँ कांग्रेस पार्टी की सीट नहीं आई। जी, 15 साल से विगत से नहीं आ रही थी, तो पार्टी ने सोचा कि भगत आदमी है, सीधे साधे हैं और जनता में उनका वर्चस्व है, तो इनको टिकट दिया जाए। तो मुझे उन्होंने टिकट दिया, मैंने नकार दिया कि मैं भगत आदमी, मुझे राजनीति से कोई लेना देना। फिर भी मुझे पार्टी वाले कार्यकर्ता और जिला कमेटी ने यह निर्णय लिया कि ना तो भगत को ही ऐसी का टिकट देना, मुझे सब टिकट उन्होंने दिया और मैं मतलब चुनाव लड़ा। तो चुनाव जब तक लड़ता उस समय आदमी कहते हैं कि वो कौन सी पार्टी से लड़ रहा है, किसने टिकट दिया, और फिर उसका प्रचार प्रसार होता है, पार्टी और सिंबल मिलता है, वो लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। उसके बाद में मतलब उस पार्टी के जो जीता है वो डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो, तो उसको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं पार्टी का, जब तक चुनाव होते हैं जब तक मतलब वो पार्टी का कैंडिडेट माना जाता है। जीतने के बाद जब क्या होता है कि वो जीत जाता है, उस समय उस वार्ड का, उस पंचायत का, उस क्षेत्र का मतलब जो होता है वो सिर्फ जन सेवक होता है, नेता नहीं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा नाम क्या माने, हम नाथूलाल जी अब डायरेक्टर बन गए, कांग्रेस ने सैंपल दिया था आपको, सैंपल से आप जीते, अब सबको साथ लेने की, सबको साथ लेकर चलने की कवायद। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम मतलब जो है पार्टी के नेता नहीं है, हम तो जनता ने वोट दिया हमको, सिर्फ पार्टी टिकट देती है, वोट जनता देती है, तो जनता ने जीता है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि 15 विगत सालों से विकास गंगा रुक गई है, उस विकास गंगा को आगे बढ़ाना है। तो किस रूप में बढ़ाना है, हमारा सपना है जनता का कि 15 साल से जो काम नहीं हुआ है वो 5 साल में होना चाहिए। मेरा ये सपना है कि साहब और सबसे ये गुजारिश है कि मतलब हम मेरा नौगामा आदर्श गाँव बने। आपके क्षेत्र में कौन कौन से पंचायत आती है डायरेक्ट क्षेत्र में? हमारे डायरेक्ट क्षेत्र में सिर्फ नौगामा एक ही आती है। जी जी जी, एक ही है, नौगामा एक कस्बा है। क्या एजेंडे, क्या मुद्दे हैं, कौन कौन सी मेजर समस्या है जिनका सबसे पहले हम प्राथमिकता से लेंगे? मतलब हमारे सबसे पहले प्राथमिकता बाजार में मतलब रोड लाइट नहीं है, तो हमारी प्राथमिकता कल सोमवार है, हम कल जाएंगे और डिमांड जरूर जमा कराएंगे और लाइट का काम करेंगे। और दूसरा काम है गंदा पानी रोडों पे जाता है, बाजारों में जाता है, तो ये नाली चल रही है और नालियों का पूरा सर्वेक्षण किया गया और हम नाली मतलब बनाएंगे। उसके बाद में गंदगी हो रही है तालाब में, जो सार्वजनिक स्थल है उनका ग्रहण करेंगे, वहाँ साफ सफाई गंदगी नहीं रहेगी और साफ सफाई करेंगे। और धार्मिक स्थल है वहाँ भी उनके लिए मतलब जो समस्या है उसका समाधान, और हर जन जन की समस्या, सबका साथ सबका काम सबका विकास, ये मेन उद्देश्य, और हमारा काम आदर्श गांव होना चाहिए, यही मेरा असूल है और यही मेरा सपना है। विकास एजेंडा एक मुख्य जो है विकास है, उनको एजेंडा बना के बिल्कुल हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम आए हैं नेता नहीं है, हम 5 साल तक जनता की सेवा करना है, जन जन का विकास करना है, सबको साथ लेके चलेंगे, न पार्टी नहीं, हम मेरे लिए 3500 वोटर है वो सब मेरे एक समान है, सबको सबका काम होगा, न पार्टीवाद होगा, न जातिवाद होगा, न धर्मवाद होगा, सब मेरे लिए समान है, सबका विकास करेंगे, यही हमारा मेन। आपके बागीदोरा के अंदर रेगुलर यहाँ कांग्रेस से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या आशा और विश्वास रखते हैं, सरकार है वो कांग्रेस की है राजस्थान में? तो मतलब हमारे ये कि विगत 15 सालों से मतलब यहाँ नौगामा प्रॉपर में मतलब जो डायरेक्टर नहीं बन पा रहे थे, वोट भले बनता था सरकार के किसी भी ओर, पर विकास नहीं हो रहा था क्योंकि वोट नहीं बनता था, पर यहाँ का डायरेक्टर और सरपंच नहीं बन रहे थे, सरपंच भी 15 सालों से मतलब बीजेपी के बन रहे, कांग्रेस का नहीं बन रहा था, इसलिए अब कड़ी से कड़ी जुट गई है, डायरेक्टर है, प्रधान है, प्रमुख है, और राज्य सरकार भी कांग्रेस के विधायक है, वो भी नेता है, रह चुके हैं हमारे माले साहब, जो कहेंगे वो करेंगे, आधी रात को लिए हमारे लिए तैयार है, इसलिए हम बहुत विकास करेंगे क्षेत्र का, बस यही हमारा मेन मुद्दा है विकास। विकास के बीच में अहम मुद्दा आ जाता है करप्शन,
जो नीवे कमजोर करता है, भ्रष्टाचार को लेकर क्या करता है? मतलब उसमें ऐसा है, जहाँ तक कोशिश है भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे, जनता का काम करना है। जब ये हमारे चुनाव नहीं हुए थे, बात चल रही थी, उसी समय में मैंने सबसे पहले मतलब इस कोविड 19 पर मतलब हमने क्या किया, मैंने खुद ने मास्क बनवाए और लोगों को बांटे और कहा कि भाई डिस्टेंस रखो, मास्क लगाओ, हाथ साफ करो साबुन से। एक मीटिंग रखो पंचायत में, मैं मीटिंग रखने वाला कोविड 19 पर, वो मतलब लोगों को इकट्ठा करके बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए, उस पर दिशा निर्देश। अधिकारी साहब आए थे मेरे से, यहाँ मिल के गए, उन्होंने कहा मैं 3 दिन से कह रहे कि मैं अभी बिजी हूँ, 2 दिन बाद में पंचायत में मीटिंग बुलाऊंगा और सबको लोगों को बुला के वो सब इसके बारे में बताएंगे कि देश की सुरक्षा, अपन स्वयं सुरक्षित है तो ही देश की सुरक्षा, अपन नहीं है तो दूसरे को कैसे सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। तो यह थी हमारे जो कांग्रेस से जो यहाँ से जीते हैं, डायरेक्ट से। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, उसके बहुत बहुत।